छत्तीसगढ़ में गाहे बगाहे गोबर को लेकर राजनीति का रंग सामने आ ही जाता है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, केंद्र सरकार अगर गोबर खरीदना चाहती है तो छत्तीसगढ़ में सिस्टम बना हुआ है जो अभी देश में और कहीं नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि हमने गोधन न्याय योजना के तहत जो योजना शुरू की उसमें अभी तक 32 लाख टन से ज्यादा गोबर की खरीद सरकार कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार को आवश्यकता है तो वह हमसे गोबर खरीद ले और रेट 5 रुपए प्रति क्विंटल रखे तो अच्छी बात है। वहीं बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात कही है तो बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी का कहना है कि गोबर की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में लेकर आए थे लेकिन तकनीकी कारणों से लागू नहीं हुई है। उसी की कॉपी भूपेश बघेल यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह गोबर उन लोगों के मुंह पर पड़ा है जो बीते दिनों इसे लेकर सवाल उठा रहे थे। देखिए, गोबर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले ही कार्यकाल में ला ली थी, 2017 में ला ली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से लागू नहीं हुई। अगर आज भी देख ले इतिहास तो 2017 में मोदी जी उसी की कॉपी भूपेश बघेल जी ने की है। केंद्र सरकार की नकल कर रहे हैं 15 साल तक की और अपनी विफलताओं को केंद्र पे डालते हैं। अच्छी बात है, वो यदि खरीदना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम बना हुआ है। अभी देश में तो और कहीं सिस्टम है ही नहीं, ना दुनिया में गोबर खरीदने का सिस्टम। छत्तीसगढ़ में हमने सिस्टम लागू किया है और अभी तक के लगभग 32 लाख टन से अधिक की गोबर खरीदी हम लोग कर चुके हैं। यदि भारत सरकार को आवश्यकता है तो वो हमसे ले ले। यदि वो रेट 5 रुपये रखे तो अच्छी बात है, हमारे समितियों को 3 रुपये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का। हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, छत्तीसगढ़ में गोबर को लेकर सियासत फिलहाल थमती यहां पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोबर पेंट लॉन्च किया और उसके बाद से एक बार फिर यहां पर जो राजनीति है चरम पर जाती दिखाई देने लगी। और ऐसे में भूपेश बघेल ने जिस तरह से गोबर खरीदने को लेकर बात कही है, केंद्र सरकार से आवश्यकता अनुसार गोबर लेने की भी बात कही, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तंज कसी भी लगातार जारी है, किस तरह देखें? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा एक पेंट लॉन्च किया गया है, गोबर से ये पेंट निर्मित हुआ है और इसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और इसके साथ ही बात की जाए तो ये जो पेंट लॉन्च किया गया है हाल ही में मंगलवार को लॉन्च किया गया है, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है कि राज्य सरकार की योजनाओं का अनुसरण कर रही है केंद्र सरकार। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जिस तरह से विधायक अजय चंद्राकर ने एक ट्वीट किया था कि जो राजकीय चिन्ह है उसे गोबर का चिन्ह, राजकीय चिन्ह के हिसाब से उसे बना दिया जाना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने निश्चित तौर पर यही बात कही है कि जो लोग इसे लेकर सवाल उठाते थे अब उनके मुंह पर ही सीधे गोबर पड़ा है। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर एक बार फिर से गोबर को लेकर सियासत जारी है। एक और जो मुख्य बात है इसमें कि राज्य सरकार ने 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की शुरुआत की थी गौधन न्याय योजना के तहत, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी से 5 रुपए प्रति किलो की दर से कर दिया है, जिसे लेकर एक बात भी कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पूरे देश में वो सिस्टम गोबर खरीदी को लेकर नहीं है जो छत्तीसगढ़ में है और जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है। तो केंद्र जितनी भी गोबर की खरीदी करना चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जब 5 रुपए प्रति किलो गोबर की दर तय की गई है तो इससे जो हमारी समितियां हैं उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ही होगा। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से इस सवाल का जवाब पूछा गया तो श्री चंद सुंदरानी जो कि जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि इस योजना का जो प्रकरण है, इस योजना की जो प्रक्रिया है, कुछ तकनीकी किसी कारणों की वजह से ये लॉन्च नहीं हो पा रही थी, लेकिन सन 2017 में ही केंद्र सरकार ने इस योजना को सोच लिया था। उल्टा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना का अनुसरण किया है और उनकी योजना की कॉपी की है। तब योजना को लेकर एक होड़ से मची नजर आ रही है, राजनीति नजर आ रही है। एक बार पहले भी जब गौधन न्याय योजना
लागू की गई थी उस समय भी गोबर पर सियासत साफ तौर पर देखी जा रही थी। और एक बार फिर अब ये जो नया पेंट गोबर से निर्मित पेंट लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और गोबर को अब 5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने की बात कह दी गई है, इसको लेकर अब जिस तरह से सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, जिस पर हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपना बयान दे दिया है और उन्होंने भी कहा है कि पहले तो वे धान खरीदी कर ले, बाद में गोबर खरीदी की बात कही। चलिए बिल्कुल, तमाम मत के आपका बहुत बहुत शुक्रिया निधि। तो केंद्र सरकार ने गोबर पेंट लॉन्च किया, लेकिन इस गोबर पेंट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर तेज होती यहां पर फिलहाल होती दिखाई देने लगी है, और पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं इस योजना को कॉपी करने का आरोप बीजेपी लगाती दिखाई दे रही है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि